अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। ओके जी, सो टुडे इज़ गोइंग टू बी आर रिव्यू वीडियो और ये उस प्रोडक्ट का रिव्यू है जिसकी मुझे बहुत डिमांड आ रही थी, बट आई एम अ लिटिल लेट। लेकिन आई होप कि आपको रिव्यू अच्छा लगेगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक्चुअली मैं इसको 2 से 3 बार यूज़ करना चाह रही थी और फेशियल प्रोडक्ट है ये, तो इसलिए इसको इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ भी नहीं कर सकते। बट अब मैं इसको सही से यूज़ कर चुकी हूँ, अपने रिव्यू से कम्प्लीटली सेटिस्फाई हूँ, तो अब मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी। अच्छा, इनकी प्रोडक्ट की आपको डिटेल बता देती हूँ थोड़ी सी। ये ईशा ऑर्गेनिक्स की वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाओगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो फेशियल किट्स की पूरी रेंज है वहाँ पे। आपको स्पेशली पोर्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, एंटी एजिंग के लिए, एक्नी के लिए तमाम प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, मतलब कंप्लीट फेशियल की रेंज अलग अलग मिल जाएंगी। अच्छा, जो मेरे पास है ये है डार्क स्पॉट्स के लिए और स्पेशली ब्लैक हेड्स के लिए, और इसमें आपको इस प्राइस रेंज में कंप्लीट 5 ट्यूब्स मिलेंगी, जिसमें से एक फेस वॉश है जो कि अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं उसको यूज़ कर रही हूँ अभी भी, और उसका रिव्यू मैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अच्छा, फिलहाल ये फेशियल रेंज है मेरे पास, मैं आपके साथ इसका रिव्यू स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले मेरे पास है ईशा ऑर्गेनिक्स का विटामिन सी ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग फेशियल क्लेंजर, जो कि क्लेम करता है कि डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मुझे पैकेज रिसीव हुआ था ना, मैं इसकी क्वांटिटी को देख के हैरान हो गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी ट्यूब्स हैं, तो इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिल रही है हमें। अच्छा, सो ये क्लेंजर जब मैंने यूज़ किया था ना फर्स्ट टाइम, मैं बिल्कुल फ़ैन हो गई थी इसकी, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया था तो उस टाइम मैंने मेकअप किया हुआ था। मैंने कहा मैं इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर लूँ, मतलब पहले किसी रिमूवर से रिमूव ना करूँ मेकअप, ताकि पता चल जाए क्लेंजर कितना अच्छा है, परफॉर्मेंस कैसी है। तो आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने जैसे ये फेस पे अप्लाई करके थोड़ा सा मसाज करना स्टार्ट किया ना, मेकअप मेल्ट होना स्टार्ट हो गया था। और मेकअप के अलावा अगर रैंडमली आप कहीं बाहर गए हो, जाहिर आपके फेस पे धूल और मिट्टी आ जाती है, तो उसके बाद भी अगर आप इसको एक दफ़ा वीक में क्लेंस कर लोगे ना अपनी स्किन को, तो आपकी स्किन से डर्ट भी बिल्कुल गायब कर देगा, आपके पोर्स को क्लीन कर देगा। और एक और इनके फेशियल की बात बेस्ट मुझे ये लगी कि सारी ही ट्यूब्स में स्टॉपर्स लगे हुए हैं, तो उससे आपका प्रोडक्ट ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं निकलता, वरना अक्सर कैप में जमा होने लग जाता है ना, तो वो भी नहीं होगा। और इसका मुझे टेक्स्चर काफ़ी अच्छा लगा, यानी काफ़ी क्रीमी और बटरी सा टेक्स्चर है, तो ईजिली आपकी स्किन पर मसाज हो जाता है। अच्छा, एक और मेन चीज़ बतानी थी मुझे, अक्सर लोग ना क्लेंस करने के बाद, यानी जो क्लेंजर्स होते हैं उसको अप्लाई करने के बाद पानी से हटाते हैं। देखिए, उससे एक तो पानी बहुत ज़ाया होता है और दूसरा वो चीज़ साफ तरीके से हटती नहीं है, डर्ट स्किन पे ही लगा रह जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो फेशियल स्पंज होता है ना, आपको मार्केट्स में ईजिली मिल जाते हैं फेशियल स्पंज, तो मसाज करने के बाद आपने अच्छे से उस फेशियल स्पंज से हटाना होता है, स्वैप करना होता है अपना प्रोडक्ट फेस पे जो लगा हुआ है, क्योंकि उसी से आपका सारा डर्ट वगैरह जाएगा, वरना वो आप पानी से करोगे अगर स्प्लैश तो वो लगा रह जाता है। सो उसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, रेटिंग दूंगी इसको 10 out of 10, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। हाँ जी, सो अब सेकंड प्रोडक्ट मेरे पास है ईशा ऑर्गेनिक्स का ही वाइटनिंग फेस स्क्रब, जो कि स्पेशली आपके जो ब्लैक हेड्स होते हैं उसको और स्पॉट्स को क्लियर करने के लिए हेल्पफुल है, एंड जेन्युइनली आई वॉन्ट लाई, बहुत अमेजिंग काम करता है ये। अच्छा, स्क्रब्स में सबसे पहले मैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो नोट करती हूँ, क्योंकि अक्सर स्क्रब्स में पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि स्किन पर टीयर डाल देते हैं वो, लेकिन आई वॉज अमेज्ड क्योंकि बहुत अच्छे से फाइनली पीसे हुए पार्टिकल थे इसमें। और क्योंकि ईशा ऑर्गेनिक्स एक कम्प्लीट ऑर्गेनिक ब्रांड है, सो आई गेस शायद इसमें तो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो या फिर राइस फ्लोर के, एंड दोनों ही बहुत अमेजिंग है स्किन के लिए और बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। टेक्स्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बारीक पार्टिकल्स हैं ये। और जहाँ तक बात है ब्लैक हेड या व्हाइट हेड की, तो अगर आपकी स्किन पे थोड़े बहुत लाइट वाले ब्लैक हेड्स हैं तो वो तो उसको यूज़ करने से ही हट जाएंगे, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक या व्हाइट हेड हैं या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हैं वो, तो फिर आप जब स्क्रब कर लो तो उसके बाद किसी स्पंज से, माइक्रोफाइबर टॉल से, या फिर अगर आपका कोई कॉटन का दुपट्टा है तो उससे ना एक दफ़ा अपने इफेक्टेड पार्ट को ज़रा रगड़ के वहाँ से ब्लैक हेड्स रिमूव करना, तो बिल्कुल आराम से निकल आएंगे ब्लैक हेड्स। और अगर बात करें स्पॉट्स की, तो ज़ाहिर है एकदम से स्पॉट्स नहीं जाते एक बार के यूज़ में, आपको ज़्यादा यूज़ करना होगा तभी जाकर आपको इसका इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा फॉर स्पॉट्स। बाकी अमेजिंग स्क्रब है, मेरी तरफ से अगेन रिकमेंडेड है 10 out of 10। अच्छा, स्क्रब के बाद हमारे पास है ईशा ऑर्गेनिक्स का ब्राइटनिंग मसाज क्रीम, और इसमें स्वीट आमंड ऑयल है, विटामिन ई, सी एंड B5 है, और ये क्लेम करते हैं कि डार्क स्पॉट और एक्ने स्पॉट भी क्लियर हो जाएंगे ग्रेजुअली। अच्छा, इसकी ट्यूब वैसे ही है जैसे सारी थी और स्टॉपर भी लगा हुआ है। अच्छा, इसका जो टेक्स्चर है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप क्वांटिटी थोड़ी कम लेना, बट अगर ड्राई स्किन है तो आप नॉर्मल क्वांटिटी लेना, और यूजेज या डायरेक्शन सब कुछ बैक पर लिखा हुआ है। इसका टेक्सचर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी ना बहुत ऑयली स्किन है ना बहुत ड्राई स्किन है, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मेरी स्किन पे काफ़ी अच्छा रहा। और ये मसाज क्रीम का स्टेप फेशियल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको यूज़ करने का भी प्रॉपर तरीका होता है, टेक्निक होती है, तो बेहतर रहेगा आपको यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लो कि मसाज की प्रॉपर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको यूज़ करने से ना काफ़ी अच्छा सा ग्लो आ जाता है स्किन पे, नेचुरल ग्लो आता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका रिजल्ट भी। सो मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है।
हाँ जी, सो लास्ट प्रोडक्ट मेरे पास है ईशा ऑर्गेनिक्स का ब्राइटनिंग क्ले मास्क। अच्छा, मैंने जैसे ही इसका नेम पढ़ा ना कि ये क्ले मास्क है, मेरे जहन में मुल्तानी मिट्टी आई। मैंने कहा वैसे ही होगा ये बिल्कुल, लेकिन सरप्राइजिंगली इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा था, क्रीमी था। लेकिन अप्लाई करने के और ड्राई होने के बाद ये ऑब्वियसली थोड़ा सा सख्त हो जाता है, स्किन खिंचने लग जाती है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है ये, यू विल लव इट। बहुत अच्छा है, सारा आपकी स्किन से सीबम ऑयल जो एक्स्ट्रा होता है उसको भी अब्सॉर्ब कर लेता है और स्किन पे से ग्लो भी नहीं जाने देता। अच्छा, इसके अलावा जिनकी ड्राई स्किन है, आप लोग थोड़ी सी पतली लेयर लगाना इसकी, क्योंकि ज़ाहिर है क्ले आपकी स्किन के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर विटामिन भी हैं और कुछ ऑयल्स भी हैं, इसके इंग्रीडियंट्स में लिखा हुआ है, तो उससे आपकी स्किन पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं लगेगा। लेकिन आपको मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाना होगा ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी नेगेटिव बात लगी मुझे इस मास्क में, वो ये थी कि इसमें मेंथोल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है ज़्यादा, या आप टीनेजर हो, तो मे बी आपकी स्किन ये इरिटेट भी करे। और जिनके वल्गैरिस एक्ने है या एक्टिव एक्ने है, तो शायद उनके भी फेस पे थोड़ा सा ये इरिटेट करे। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इसकी क्वांटिटी या तो बहुत कम लगाओ, या फिर आप उस एरिया को ही अवॉइड करो जहाँ आपके सेंसिटिविटी का इशू है या एक्ने वगैरह है। बाकी ओवरऑल मुझे ये अच्छा लगा, मेरी स्किन के हिसाब से ऑयली स्किन के लिए भी अच्छा है और ऑयली टू कॉम्बिनेशन के लिए भी अच्छा है। तो इसको मैं रेटिंग दूंगी 10/10, 9 दूंगी मैं इसको, जस्ट बिकॉज ऑफ मेंथोल, क्योंकि वो हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल नहीं रहता। अच्छा, ये कंप्लीट फेशियल वगैरह यूज़ करने के बाद आप इनकी जो बैलेंसिंग क्रीम है वो भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा, उससे आपके स्किन पे जो फेशियल के रिजल्ट्स हैं वो लॉक हो जाएंगे। और वो दोनों क्रीमें वैसे डेली यूज़ के लिए भी अच्छी हैं, मैं उसको अभी भी स्टिल यूज़ कर रही हूँ, मैं उस पर डिटेल रिव्यू शेयर करूँगी, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अच्छा, बाकी ये फेशियल मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि ये मैंने भी यूज़ किया है, मेरी मदर ने यूज़ किया है, मेरी कज़न ने भी यूज़ किया था, उन्हें भी बहुत पसंद आया है। और इसके अलावा इसकी इतनी जो तारीफ़ें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, और इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है इनका प्रोडक्ट, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई अच्छी बात होगी तभी इतना वायरल हो रहा है, सारे ही लोग क्योंकि तारीफ़ें कर रहे हैं ना। आप लोग खुद ही से एक दफ़ा ट्राई करो, भले सब कुछ नहीं ले रहे थे, कोई एक प्रोडक्ट लेके देख लो, फिर आपको जब रिजल्ट्स मिलेंगे आपको खुद ही बिलीव हो जाएगा। सो यस, अल्लाह हाफिज़ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।